इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि PHP के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से किस तरीके से हम लोग क्रूड का वो वर्क ले सकते हैं, जैसे डेटाबेस का कनेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग ये पूरा का पूरा वर्क आउट कर लगा सकते हैं और इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट वगैरह कैसे कर सकते हैं, तो जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाते हैं, जैम ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट फोल्डर है मेरा यहाँ पर एससी डॉक्स, और यहाँ पे फन नाम का फोल्डर है जिसमें हम बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे। तो हम बूटस्ट्रैप कहीं से उठा लेते हैं, ये एसेट्स में होना चाहिए, बूटस्ट्रैप नहीं है कहीं, हाँ ये बूटस्ट्रैप फाइल है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर एसटी डॉक फन फोल्डर में मैंने ऐड कर दिया है, और इसको ब्रैकेट में ऐड करते हैं, ब्रैकेट में ऐड कर लिया। अब इसमें अपना पूरा काम शुरू करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले डेटाबेस बना लेना है, ठीक है? तो डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग को स्लैश PHP माई एडमिन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप डेटाबेस को इस तरीके से बना सकते हैं, है ना, CD माई स्क्वेल, CD बीन, और उसके बाद फिर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन हम जियो इंटरफेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये जियो इंटरफेस है, और यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिस पे इंसर्ट कॉलिंग वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे बनेगा। मैं कंसोल में लिखने की कोशिश करता हूँ, अच्छा यहाँ पे आ गया। तब डेटाबेस का नाम रख लेते हैं हम फन ओप, ठीक है? और ये डेटाबेस क्रिएट हो गया, मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, सिंपल सा टेबल स्टूडेंट्स नाम का 6 कॉलम के साथ, जिसमें STDID एक पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम मैं जो ऐड करता हूँ नेम, तीसरा कॉलम कॉन्टैक्ट, चौथा ईमेल, और सिटी और स्टेट, इस तरीके से। मैं वर्चुअल कर देता हूँ सिटी को, स्टेट को, ईमेल को, कॉन्टैक्ट को, नेम को, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसमें लेंथ दे देता हूँ इस तरीके से, और AI पे टिक कर देता हूँ ताकि प्राइमरी की हो जाए, और गो, नीचे सेव बटन पे क्लिक। ये डेटाबेस में बन गया। डेटाबेस के कॉलम्स आपको ध्यान में रखने हैं ताकि हम लोग इस पर काम कर सकें, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपना इंडेक्स खोलते हैं, और इंडेक्स का जो पेज है वो नॉर्मल HTML कोड रखते हैं, और ये ओप क्रूड यूज़ करते हैं। लिंक करते हैं अपने बूटस्ट्रैप को, लिंक कर लिया, और एक पेज और बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग config.php, और इसमें सारा फंक्शंस वगैरह बनाएंगे इंसर्ट करने के लिए, यूज करने के लिए, सब चीज़ों के लिए। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक नेम बार बना लेते हैं, नेम बार क्लास, नेम बार, अगर बूटस्ट्रैप आप जानते हैं तो आपके लिए सब समझ में आने वाला है। एलजी नेम बार डैश डार्क, बीजी डैश डेंजर, रेड कलर का नेपाल, नेपाल जैसे ब्रांड, और यहाँ पर मैं इंडेक्स को लिंक करके और यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट इंटर प्रोग्रामिंग क्रूड। क्रूड का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। सिंपल सा बनाया मैंने बस एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे एक कंटेनर यूज़ करता हूँ, कंटेनर के अंदर मैं रो कॉल डैश एलजी डैश 3 और 9, ठीक है? और ये 3 और 9 के सेक्शन में बाकी काम होगी। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कैसे काम करेगा ये। सबसे पहले आपको PHP का सिंटेक्स ले लेना है, क्लास, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं हम डाटा वर्क नाम रख लेते हैं क्लास का, कोई इशू नहीं है, कर्ली ब्रैकेट, और इस जगह पे मैं, अगर आपको इसमें कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आपको लिखना होगा पब्लिक फंक्शन, और कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप स्पेशल नेम होता है, डबल अंडरस्कोर लगाना होता है, कंस्ट्रक्ट, इस तरीके से नाम रखना होता है कंस्ट्रक्ट। अब आपने कंस्ट्रक्टर है ये आपका, दिस इज कंस्ट्रक्टर, आप इसमें आराम से कंस्ट्रक्टर वर्क ले सकते हैं। मैं सबसे पहला फंक्शन पब्लिक, और यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ इंसर्ट डेटा के लिए, इंसर्ट डेटा। डेटा इंसर्ट करने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, एक होता है टेबल का नाम और दूसरा होता है फील्ड्स,
और ये रहा आपका फंक्शन एरिया। ठीक है, मैं अब ये पूरे फंक्शंस को जब तक बनाऊंगा तब तक उससे पहले आप ये देखो कि मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया पब्लिक फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड होना ज़रूरी होता है। मैं कंस्ट्रक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए डाटाबेस कनेक्शन के लिए एक कनेक्ट नाम का वेरिएबल इस्टेब्लिश कर लेता हूँ, और ये वेरिएबल जो है कनेक्ट नाम का, इसका इस्तेमाल मैं करूँगा सारे चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए माई एस क्यू एल आई और कनेक्ट इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसके कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ डालेंगे, जैसे कि लोकल होस्ट, ये मेरा होस्ट नेम हो गया, रूट मेरा यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड ब्लैंक, और डेटाबेस का नाम मैंने रखा है फन ऊप, फन ऊप। ठीक है, ये डेटाबेस का इस्टेब्लिश कनेक्शन हो गया। अब मैं इसको हमेशा यूज़ कर सकता हूँ जगह पे जहाँ पे मुझे यूज़ करना होगा। सबसे पहले ये मैं यहाँ पे कॉलम के लिए बनाता हूँ इम्प्लोड फंक्शन, और यहाँ पे कॉमा सेपरेट करेगा, और ये एरे अंडरस्कोर कीज इस्तेमाल करेंगे फील्ड्स के लिए इस तरीके से, और रो बनाऊंगा मैं रो, और यहाँ पे मैं सेपरेटर को इस तरीके से कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू और बाकी सब ठीक है। इसके बाद मैं क्वेरी रन करता हूँ, क्वेरी मैं बनाता हूँ क्वेरी MySQL की, MySQL आई क्वेरी। इसमें मुझे सबसे पहले दिस एरो कनेक्शन इस्टेब्लिश कराना है, तो ये कनेक्शन है। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम चाहिए तो डॉलर टेबल है मेरे पास, मैं वो लिख लेता हूँ। फिर कॉलम्स आएंगे, फिर वैल्यू लिखाएगा, और फिर सिंगल कोट में रोज। ये मेरा कनेक्शन पूरा का पूरा क्वेरी तैयार हो गया सेमी कॉलम। ठीक है, ये इफ एल्स की मदद से हम इसका पता कर लेते हैं कि अगर ये चला तो रिटर्न कर देना ट्रू, एल्स रिटर्न कर देना फॉल्स, एंड इफ ये रिटर्न बता देगा कि क्या हुआ है। ठीक है, इसके इसको इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी दूसरा जो फंक्शन बनाना है हम लोगों को वो है कॉलिंग के लिए, तो पहले हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं फिर हम लोग कॉलिंग इधर बढ़ेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए मैंने पूरा फंक्शन तैयार कर लिया है, ये काफ़ी आसान और कारगर होता है। मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाना बताऊंगा आपको कि किस तरह से इसका ऑब्जेक्ट तैयार होगा, मैं इंट कर देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर इंडेक्स पेज पर यहाँ पर एक फॉर्म तैयार करने की कोशिश करता हूँ, तो फॉर्म का टैग, और उसके बाद यहाँ पर मेथड पोस्ट, और ये रहा फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप जिसमें होगा लेबल, मार्जिन जीरो में देता हूँ, पेजिंग जीरो देता हूँ, और ये लेबल में लिखता हूँ नेम। उसके बाद इनपुट टाइप, और उसके बाद नेम है नेम। ठीक है, क्लास लगाना होता है फॉर्म कंट्रोल, जो लोग बूटस्ट्रैप जानते हैं वो इसको अच्छे से समझेंगे। और ये इस तरीके से मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि मैं दूसरे कॉलम के लिए बना सकूँ। मेरे पास कई कॉलम्स हैं, जैसे देखें नेम है, कॉन्टेक्ट है, ईमेल स्टेट, नेम कॉन्टेक्ट ईमेल स्टेट, टोटल हो गए 5। ठीक है, मैं एक साथ मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करता हूँ, कॉन्टेक्ट ईमेल सिटी और स्टेट इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से परफेक्ट वर्क करेगा। इसके बाद होगा लेबल फिनिश, और यहाँ पे सबमिट, और ये जो नेम है सेंड, मैं नेम दे देता हूँ। चूँकि बटन का डिज़ाइन करना है तो हम इनपुट टाइप btn डैश सक्सेस btn डैश ब्लॉक और इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, मेरा आउटपुट देखा जाए अब, तो आउटपुट मुझे देने के लिए लोकल होस्ट स्लैश फन पे मैं क्लिक कर देगा, ये फॉर्म है, ये फॉर्म से मैं डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ कैसे काम करता है। सबसे पहले तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है अभी कॉन्फिग, उसका मुझे ऑब्जेक्ट जनरेट करना होगा, तो मैं ऑब्जेक्ट पहले बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी होगा, तो क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख लेता हूँ वर्क, और इज इक्वल टू न्यू लगाकर मुझे डाटा वर्क जो कि नाम है क्लास का, और इसमें कोई कंस्ट्रक्टर पास नहीं करना है, तो ये वर्क मेरा वेरिएबल हो गया जो मैं इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पेज पूरे पेज को कॉन्फिग कर लेता हूँ, इंक्लूड कॉन्फिग डॉट पी एच पी
और इस तरह से मैं बंद कर देता हूँ। अब मुझे चूंकि इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट करने के लिए कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, बटन का नाम मैंने सेंड रखा है, तो ये काम करेगा। ठीक है, आप लोग इसको देखे ध्यान से। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ डाटा, और एक ये एरे नेम एरो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट परी ब्रैकेट नेम कॉमा, और ये दो डुप्लीकेट करने के लिए कॉन्टैक्ट ईमेल सिटी, और इसके ये चारों कॉलम के नाम मैंने डाल दिए, और ये वाला जो नाम है ये मैंने इनपुट टाइप के यूज़ किए हैं। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एरर हैंड फॉर्म हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं डॉलर वर्क जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद मैं एरो लगाकर लिखूंगा इंसर्ट डाटा, और इसमें पैरामीटर पास करना है मुझे डेटा टेबल का नाम, जिसका नाम मैंने रखा था स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, और मेरा ये डाटा जो है वो है मेरा। चलो हो गया। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाकर वो ट्रू और फॉल्स को मैं यूज कर सकता हूँ, और इसके हिसाब से मैं यहाँ पे एको कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एको कर लेता हूँ इस तरह से स्क्रिप्ट अलर्ट, और अलर्ट में लिखता हूँ सक्सेस, और अलर्ट में बंद कर देता हूँ। ये हो गया मेरा स्क्रिप्ट जो मुझे अलर्ट करेगा कि हाँ आपका काम हुआ या नहीं हुआ। ये चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फेल, तो अगर फेल हुआ तो फेल बताएगा। ठीक है, तो इंसर्ट करके आप मुझे देखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में डॉलर अंडरस्कोर कनेक्ट जो वेरिएबल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। इसका रीज़न है, यहाँ मैंने मॉडिफायर में लगाया पब्लिक, अब ये छोटी ब्रैकेट का इशू आ रहा है, मुझे देखना चाहिए कहाँ पे इशू है। ये लाइन नंबर 5 पे ही बता रहा है। अच्छा, लाइन नंबर 5 में माइनस पे ला रही, यहाँ पर क्या एरर हो सकता है। ठीक है, ओह सॉरी, कंस्ट्रक्टर मेरा खाली पड़ा हुआ है, तो मैं एक काम भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर लूँ और कंस्ट्रक्टर में इसको यहाँ पर लिखूँ डॉलर दिस एरो कनेक्ट इज इक्वल टू दिस। तो अब ये सही से टू टाइम इक्वल हो गया है। अब ये देखिए मेरा फॉर्म काम कर रहा है, मैं एग्जांपल डालता हूँ पूर्णिया। देखिए सक्सेसफुली ये इंसर्ट हो चुका है। ये तरीका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके का मेथड है, और फिर मैं इसी से और भी फंक्शन सीखता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर फंक्शन हो गया है इंसर्ट करने का तरीका। अब मैं फंक्शन जब इंसर्ट करने का काम हो गया है, मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ इंसर्शन फंक्शन, मैंने ये फंक्शन वाला पहले ही बताया है सबको। अब मैं कॉलिंग के लिए काम कर रहा हूँ, कॉलिंग फंक्शन पब्लिक लगाना होगा फंक्शन, और यहाँ पे कॉलिंग डेटा। कॉलिंग के लिए टेबल का फॉर्मेट और कंडीशन, कभी कभी होता है क्या कि कंडीशन देना होता है, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, तो उसमें मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, अगर कंडीशन में नल रहा, तो अगर नल ही रह गया तो फिर ये करो, और नहीं तो इस तरीके से। तो उससे फायदा ये होगा कि अगर मेरा मान लो कि कंडीशन मैंने नहीं डाला है, तो ये वाला कॉलिंग काम करेगा। तो उससे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं अपना पूरा एरे स्टोर करूंगा। ये ब्लैंक एरे बना दिया है, ये ब्लैंक एरे आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये फंक्शनल है वो सिंटेक्स बेसिस पे, ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और मैं यहाँ पे क्वेरी तैयार करता हूँ, MySQL आई क्वेरी, आपको यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो कनेक्शन अवेलेबल है, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जो टेबल का नाम आ जाए वो डाल देना है। अगर आपका ये कंडीशनल हो रहा, यानी आप किसी भी तरह का कंडीशन ऐड करना चाहते हो, तो बहुत सिंपल है, मैं आधा काम यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे जो भी कंडीशन होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, और जो कंडीशन है उस तरह से क्वेरी तैयार हो जाएगी। जो भी क्वेरी तैयार होती है उसका एक लूप चलाना ज़रूरी होगा,
लूप जो कि एक रो इज इक्वल टू माई स्क्वेल आई फेच एरे क्वेरी, ठीक है। और ये यहाँ पर मैं यहाँ पर एरे वाला जो वेरिएबल बनाया था उसको प्लान करके उसमें रो को स्टोर कर देता हूँ, और रिटर्न में मुझे ये एरे चाहिए ताकि मैं फॉर ईच लूप की मदद से इस पूरा एरे को प्रिंट कर दूँ और मेरा कॉलिंग का काम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला फंक्शन तो आपने पहले भी देखा तो काफ़ी चीज़ सिमिलर है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे जहाँ कॉल करना है वो कॉल जी नाइन, और टेबल का टैग मैं लगा देता हूँ टेबल डैश बॉर्डर बॉर्डर टेबल डैश होवर टी आर टी एच, और मैं यहाँ पे देता हूँ एस टी डी अंडरस्कोर आई डी। फिर है कॉलम नेम का, फिर है कॉन्टेक्ट का, फिर है ईमेल, फिर है सिटी और स्टेट। एक कॉलम मैं और दूंगा ताकि ज्विट वगैरह के लिए बटन बना सकूँ, तो एक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मैं कल कॉलिंग के लिए पीएचपी शुरू करूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डेटा नाम का वेरिएबल, या फिर मैं कह लो कि कॉलिंग नाम का वेरिएबल स्टोर करूँगा, जिससे कि मैं अपना वहाँ से आया हुआ डेटा को स्टोर कर सकूँ। वर्क कॉलिंग डेटा ये फंक्शन है वहाँ पे, और मैं यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दूंगा, बस ये पास करूँगा, इससे काम हो जाएगा मेरा। अब मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करूँगा। फॉर ईच लूप में कॉलिंग, ठीक है, कॉलिंग वेरिएबल एज, और मैं यहाँ पे कोई नाम रख लेता हूँ, जैसे कोई भी नाम वैल्यू, ठीक है, कॉलम दे देता हूँ। अब पीएचपी को मैं क्लोज कर देता हूँ। इसका जो एंडिंग होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इंड फॉर ईच, ठीक, इस तरीके से, और ये काफ़ी अच्छा है। टी डी मैं यहाँ पर पीएचपी, आप अगर इक्वल टू लिखते हैं तो ये पीएचपी इको के बराबर होता है, तो मैं सीधा सीधा इक्वल यूज़ करते हैं, शॉर्ट हैंड है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। वैल्यू बड़ी ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर आपको कॉलम के नाम जो डेटाबेस में टेबल को दिए गए थे, और ये रहा नेम, ये रहा कॉन्टैक्ट, ईमेल, स्टेट सिटी, और एक और स्टेट। एक टी डी बनाने हैं लेकिन वो ब्लैंक रहेगा, मैं इसमें बटन बना देता हूँ डिलीट करने के लिए, डेंजर बी के एन डैश एस एम, और मैं यहाँ पर इसके बीच में एक क्रॉस का निशान लगा देता हूँ, या फिर कह लो इसमें डिलीट लिख सकता हूँ डिलीट। ये पूरा लूप के अंदर आ गया क्योंकि मैंने लूप यहाँ पे बंद किया था, तो ये कॉलिंग का पूरा फंक्शनैलिटी है, देखा जाए काम कर रहा है कि नहीं। देखिए वंडरफुल, जो भी मैं अभी डालूंगा अमित, और यहाँ पे मैं कुछ मोबाइल नंबर डालता हूँ amit@gmail.com, ये इसका मोबाइल नंबर, पूर्णिया बिहार, बहुत सिंपल है, सक्सेसफुल। मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अमित आ गया। ये काफ़ी आसान है और काफ़ी कारगर है ये कॉलिंग का तरीका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेथड से। अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ इसी में एक फंक्शन और, जिसका काम है डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए, डिलीट फंक्शन जो मैं बना रहा हूँ उसके लिए मुझे यहाँ पे पब्लिक जो कि एक्सेस मॉडिफायर है, मुझे तो क्लास के बाहर ही यूज़ करना है इसलिए मुझे पब्लिक लगाना ज़रूरी है, और एकदम इनकैप्सुलेटेड है, कोई इशू नहीं है। डिलीट आइटम मैं इसका नाम रखता हूँ, ठीक, टेबल का नाम जो होगा वो होगा, और जो कंडीशन मुझे देने होंगे वो कंडीशन ये रहेगी। अब मुझे सीधा सीधा क्या करना है, क्वेरी तैयार कर लेनी है जिसमें लिखा होगा माई एसक्यूएल आई क्वेरी, बहुत सिंपल है ये वाला चीज़, दिस एरो, और उसके बाद कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेना है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम जो भी है वो आ जाएगा, और उसके बाद आपका वेयर, और उसके बाद जो भी कंडीशन होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। आपका कंडीशन आ गया, अब ये इफ़ एल्स के माध्यम से हम पता कर लेंगे कि डिलीट हुआ या नहीं। तो इफ ट्रू रहा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ, इफ एल्स छोड़ देता हूँ, मैं सीधा रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न कॉल, रिटर्न कॉल, इससे ट्रू या फॉल्स से रिटर्न होता है तो पता चल जाएगा कि कैसे डिलीट हो रहा है। तो ये आइटम डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। बहुत सिंपल है, इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे अगर आप तो, मैं यहाँ पर एक एक यहाँ पर पेज का ही इंडेक्स डॉट पी एच पी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डेल एक वेरिएबल बनाता हूँ गेट वेरिएबल के ऊपर, और यहाँ पर मुझे चाहिए पी एच पी से डेटा,
जो कि वैल्यू वेरिएबल में स्टोर है, stdid जो यूनिक डेटा प्राइमरी की है वो। तो ये डेल इज इक्वल टू हर यूआरएल को ये यूनिक बना देगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ इसेट डॉलर अंडरस्कोर गेट वेरिएबल में डेल नाम का अगर कुछ हो है, तो उसको जल्दी से उठाओ और उसमें आईडी है उसको उठाओ, डॉलर अंडरस्कोर गेट डेल इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा वर्क जो मेरा वेरिएबल है और डिलीट आइटम, और यहाँ पे टेबल का नाम डालना है जैसे कि स्टूडेंट्स, और फिर कंडीशन डालना है मुझे, तो मैं कंडीशन यहाँ पर, ध्यान रहे ये कि स्पेस ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे वेयर के बाद स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर आपको वहाँ पे स्पेस दे दिया है तो फिर यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सीधा लिखना है एसटीडी जो कि कॉलम का नाम है, बराबर हो डॉलर आईडी के, ठीक है। अब ये इफ एल्स की माध्यम से हम लोग तुरंत पता कर लेंगे कि आखिर इंसर्ट हो पाया कि नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं सक्सेस और इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, सेम सेम है। देखिए मैंने ये तैयार कर लिया, मैं ट्राई करता हूँ उसको, ये सही से काम कर रहा है कि नहीं देखें। वाह ये तो डिलीट काम कर रहा है और ये सक्सेस फुली डिलीटेड, फेल नॉट डिलीटेड। ये मैं थोड़ा सा बदल दिया इसको, अब ये पूरी तरह से सही से काम कर रहा है। अगर आप इसके बाद मैं फिर दूसरा बताऊंगा, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं आपको इसमें पूरी तरह से सहयोग करूंगा।